दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज संडे स्पेशल में हमारे घर बन रहा है सूजी का चीला, ना चीला चीला, सूजी का चीला। और सब्जियां हम कल लेके आए थे, तो हमने कहा कि आज इन सब्जियों को यूज़ करते हैं और उसका बनाते हैं वैद चीला, वैद सूजी का चीला। तो देखो, ये हमारी है गाजर। हाँ, ये है, ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, गाजर है, प्याज है, और ये है कैप्सिकम एंड चिलीज, ग्रीन चिलीज। ये सारी चीज़ें डाल दिए थोड़ी देर करके, उस हाथ का यूज़ कर। हम हाँ, क्या लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी, और टेस्ट के अनुसार नमक। इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं ऐसे, है ना जी, थोड़ा अच्छा लगेगा। और थोड़ी अजवाइन। अब इसको मिला देंगे, ठीक है बेटा। हाँ, अगर थोड़ा सा आपको ठीक लगता है तो उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। हाँ, तो चीला बनाने के लिए थोड़ा तेल रखा हमने, इसमें ब्रश से लगा दिया हमने तेल, ज़्यादा ही रखना। उसके बाद हम जो बैटर बना के रखा हुआ है, इसको हम किसी भी बर्तन से आप इसे रख सकते हो और उसको फैला दो बहुत ही हल्के हाथों से। देखिए बिल्कुल ही फैला, अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथों से फैलाइए। हाँ, उसके ऊपर भी सरफेस में थोड़ा सा इसको तेल लगा दीजिए, जिससे कि जब पलटोगे तो नीचे चिपकेगा नहीं। देखिए अब ये नीचे से देखो अपने आप निकल गया ना, बस। अरे वो भी दौर था, हाँ, जब हमें बनाना नहीं आता था। हम कहते हैं कैसे बनाते हैं इसे, हाँ। ये तो हमारा अगर वो तवे में रख दिया तो वो फैलता नहीं था, हाँ। वो इकट्ठा हो जाता था, और वो अगर फैल गया तो हम बड़े खुश रहते, फैल गया, हाँ, फैल तो गया। जैसी पलटने की बारी आती थी तो सारा इकट्ठे हो जाता था, चिपक भी जाता था, पूरा तवे में लग जाता था। मतलब ये भी दौर होता है कि हाँ, कि अभी हम पीछे देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें बनानी नहीं आती थी। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहो ना, किसी भी चीज में, कोई भी काम हो ना, खाने का, पढ़ाई करने का, तो आपको आ ही जाता है अगर आप उसको लगातार करते रहोगे। देखो दोस्तों, इसको आप दोनों तरफ से सेक लीजिए, मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे, देखो ऐसी इसकी देखो, जिससे कि मुंह पे लगे ना। देखो हमने दो दो दूसरा तवा भी निकाल दिया है, क्योंकि ये पत्ता धीरे धीरे ना थोड़ा टाइम लेता है, पर ये हेल्दी बहुत होता है, इसमें तेल कम लगता है। सब्जियां आप जितनी चाहो, जो कि जल्दी से पक जाती हैं, वो इसमें डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो। ये भी बस पकने वाला है। तो देखो दोस्तों, दोनों तवे में कितनी जल्दी बन गए हैं, और ये इसका फायदा हो गया दूसरे तवे का भी, और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, जालियां बन, हाँ, जालियां से बन गए, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नाश्ता रेडी है, कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी इतना ही अच्छा होगा। तो हे गाइस, हम बना रहे हैं सांभर दिन के लंच के लिए, और क्या डालती कद्दू डाल के, मतलब क्या डालती मसाला, नमक और हल्दी बस, नमक हल्दी डाल के कद्दू है
और गाजर बस, अब कद्दू और गाजर है नहीं, और थोड़ी सी बीन्स भी है। बीन्स भी है, अच्छा। और ये है थोड़ी सी बीन्स, इनको मैं डाल के नमक और हल्दी, बस नमक और हल्दी का लगा के इसको मैं उबाल दूंगी। इसमें हल्दी, तो नमक और हल्दी डाल दिया है, और इसे एक सीटी लगा देंगे। हाँ, एक सीटी लगा देंगे इसे, ठीक है। और तब तक इसका सांभर का मसाला तैयार कर लेंगे। हाँ, तो दोस्तों सांभर मसाला बना रही हूँ मैं घर पे। वैसे बाजार में भी मिलता है, परंतु मैं घर में बनाती हूँ। और सांभर मसाले के जो चीज़ चाहिए वो मैं बता रही हूँ आपको। ये जैसे ये सूखी लाल मिर्च, ये 17 से 18 मिर्च ले लीजिए आप, सूखी लाल मिर्च। और एक बड़ा चम्मच, इतना बड़ा चम्मच राई, और एक बड़ा चम्मच क्या बोलते हैं उसके, मेथी दाना। दोस्तों ये है सांभर मसाला बनाने की सामग्री। वैसे मैं घर बाजार से भी लेती हूँ सांभर मसाला, तो आज मेरे घर में नहीं था तो मैंने घर में बना लिया। तो इसमें जो चीज़ें चाहिए वो है 10-12 सूखी लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, और एक बड़ा चम्मच साबुत जीरा, और एक बड़ा चम्मच राई। साथ में आपको चाहिए एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच चावल, एक चम्मच चने की दाल, और एक चम्मच उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल। अच्छा हाँ, ये भी तो है। अच्छा, काली मिर्च भुनने से, काली मिर्च भुनने से है ना, बाद में काली मिर्च भुनेंगे, तो काली मिर्च हल्दी को मैं कर दूंगी। पहले राई, जीरा और साबुत धनिया, इनको मैं इकट्ठे ड्राई रोल करना है, इनको ड्राई रोस्ट करना है। अब डालूंगी इसमें मैं वो जो मैं रखी थी दालें, चावल और मेथी दाना, इनको भी ड्राई रोस्ट करना, इनको भी ड्राई रोस्ट करना है। इसके साथ ही मैं रख दूंगी सूखी लाल मिर्च। दोस्तों इसको भी ऐसे सूखा भून लेना है। अच्छा, इसमें चावल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, पर इससे स्वाद बढ़ता है। भून गया है। हाँ दोस्तों, ये भून गया है, इसको भी मैं निकाल दूंगी। अब मैं डालूंगी आखिरी सामग्री हमारी, कड़ी पत्ता। इसको भी हल्का सा मैं रोस्ट कर लूंगा, रोस्ट कर दिया। अब मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। ये 12 मसाला जो मैं फ्राई किया था हो गया है। अब मैं इसको रोस्ट करूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो पीसूंगी, पीसूंगी। अभी ठंडा हो जाएगा तो इसे अभी मिक्सी में पीस देंगे। और हाँ, जो मैंने हल्दी और काली मिर्च और साथ में डाला था हींग, उनको नहीं करना, उनको साथ में पीसना है, बस रोस्ट नहीं करना उनको। ये सारे मसाले जो हमें रोस्ट किए थे वो डाल देंगे। साथ में एक चम्मच नमक, ऐसे रख देंगे। देखिए ये बन गया हमारा मसाला। इसको आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो, चाहे तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हो कलर के लिए। तो ये वैसे अभी बिल्कुल ठंडा होने देना है। हाँ, ठंडा होने के बाद, कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप इसे स्टोर करें। ये इमली भिगा के रखती है थोड़े से गर्म पानी में, और ये तेल गर्म हो रहा है तड़के के लिए। और यहाँ पर
बारीक प्याज अदरक लहसुन उसको चॉप कर लिया है। तो ये सूखी लाल मिर्च है, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके निकाल के अलग रखें। तब तक मैं इसमें डालती हूँ हमारे मसाले। तड़का लगाने के लिए ये मैं डाल रही हूँ दाल का तड़का। हाँ, ये है राई, जीरा, उड़द की दाल, चने की दाल और मेथी और कलौंजी, सब कुछ पंचरत्न मसाला। हाँ, जिसमें कलौंजी मेथी सब मिक्स है। इसे अलग निकाल लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, इसमें रखेंगे प्याज अदरक लहसुन और साथ में डाल दिए कड़ी पत्ता। इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, अभी थोड़ा सा डालूंगी बाकी में ना, और थोड़ा सा सांभर मसाला। तो यहाँ पर सांभर मसाला भी डाल दिया है जो मैंने बनाया था अभी ना। अब मैं ये हमारा मसाला बन चुका है, यहाँ से कैसे कर जाती है हमारा। क्या कलर आया है, अच्छा लग रहा है बड़ा। छानना है इसको? हाँ, नहीं हाथ थोड़ा सा छान के डाल दे, जैसे मैंने बीज निकाल। तो ये इमली का पानी है, ये डालना है इसमें। और वो साबुत लाल मिर्च जो हमने भून के रखी थी, ये जो हमने भून के रखी थी ये, और इसे थोड़ी देर चलाएंगे बस। थोड़ा सा इसको उबाल आ जाएगा, एक दो उबाल आ जाएगा तो बस आपका सांभर। तो दोस्तों दिन की थाली हमारी तैयार हो गई। देखिए सांभर कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर बहुत अच्छा आया है और खिला खिला चावल। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, काश नारियल की चटनी होती। एक्चुअली नारियल की चटनी बनाने की सोच रहे थे पर अभी टाइम नहीं मिला, लंच टाइम हो गया है। तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद।